हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए भाई, आज हम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। यहाँ पे एक म्यूज़ियम ओपन किया गया है, डॉक्टर मंगल सेन एग्रीकल्चरल साइंस म्यूज़ियम। काफ़ी बढ़िया ये म्यूज़ियम है और एग्रीकल्चर के बारे में आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो सारी डिटेल्स, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, वो सारी आपको इस वीडियो में पता लगेगी। सबसे पहले हम यहाँ से एंट्री कर लेते हैं और एंट्री करते ही आप देख सकते हैं कि रिसेप्शन एरिया यहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सुस्वागतम लिखा हुआ है एंड ये अपने वाइस चांसलर जी हैं एंड साथ के साथ हमारे सीएम जी हैं मनोहर लाल खट्टर जी। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी बढ़िया ये म्यूज़ियम बनाया गया है। और अगर आप एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको एक बार आप वर्चुअली तो हम विजिट करवा ही रहे हैं, अगर आप साथ के साथ में यहाँ के विजिट करेंगे तो और भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए। तो जैसे ये देख सकते हैं ऑनरेबल गवर्नर, काफ़ी अच्छी अच्छी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आगे अगर आप अंदर देखेंगे और भी बहुत सारी वैरायटीज़ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिसेप्शन एरिया है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा ही ये अभी लॉन्च किया गया है, काफ़ी बढ़िया। साथ के साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं हरियाणा कल्चरल लाइब्रेरी, वाइस चांसलर गैलरी, तो यहाँ पर भी काफ़ी डिटेल्स है। इसके बाद अगर देखें यहाँ पे कि ये म्यूज़ियम कब शुरुआत की गई थी, म्यूज़ियम के बारे में किसने इनॉग्रेशन किया था, सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ अपने वाइस चांसलर जी का यहाँ पे थोड़ा सा एक वीडियो चल रहा है जो बता रहे होंगे इसके बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी मॉडर्न तरीके से इसको बनाने की कोशिश की गई है। एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, देखिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो अभी यहाँ से आप देख सकते हैं एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस हो गया, साथ के साथ में द वॉल ऑफ ग्लोरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अचीवमेंट है एचएयू के द्वारा। वॉल ऑफ ग्लोरी यहाँ से भी देख सकते हैं आप, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस बताए गए हैं अलग अलग, जैसे यहाँ पे शुगर केन हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं इसके बारे में बताया गया है एंड काफ़ी यूनिक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं हरियाणा मार्चिंग टुवार्ड्स इम्प्रूव लिटरेसी, इसके बारे में यहाँ पे सारी डिटेल्स है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक एक सारी डिटेल्स आपको ये दिखाता रहूँ, ये डाटा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। हरियाणा रैपिडली बिकम अर्बन, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं, कितने गांव हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से। चेंजिंग फूड कंजम्पशन ट्रेंड इन हरियाणा, तो ये भी काफ़ी यूनिक है। चेंजिंग ट्रेंड इन दी कस्ट्यूम, यहाँ पर जो अपने कपड़ों में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं वो भी बताया गया है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में भी काफ़ी जानकारी दी गई है। प्री हिस्टोरिक आप देख सकते हैं कि पहले कैसे खेती होती थी, क्या सारी चीज़ें रहती थी, इसको मैं थोड़ा सा वाइड कर लेता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप सभी ने बुक्स में तो उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ाई होगा, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर साथ के साथ में काफ़ी इन्फॉर्मेशनल चीज़ ये है कि हर जगह आपको इस तरीके से स्क्रीन मिलेंगी, अगर आप इनको टच करते हैं तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं इसके बारे में जो बनाया गया है। तो ये भी काफ़ी मॉडर्नाइज टेक्निक है, अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन ऑलरेडी यहाँ पे दे देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैदिक एरा, मुगल एरा, ब्रिटिश एरा एंड अभी इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये आप देख सकते हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक मैप भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक डिज़ाइन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। साथ के साथ में यूनिवर्सिटी एट ग्लैंस में भी आप पढ़ सकते हैं कि हिस्ट्री क्या है एचएयू की। यहाँ से भी देखिए भाई, सिक्स ईयर वालों के लिए तो एग्रीकल्चर में क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से, जैसे रीजनल रिसर्च सेंटर बोरिया है, बावल है ना। उसके बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर 1962 में एस्टेब्लिश किया गया था, तो काफ़ी बढ़िया अपने आप में ये यूनिक चीज़ है। डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। साथ के साथ डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, डीएन पोस्ट ग्रेजुएट एंड न्यू इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं, तो ये देखिए काफ़ी है। एग्री टूरिज्म सेंटर 2020 में स्टार्ट किया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रेन्योरशिप 2019 में स्टार्ट किया गया है। तो काफ़ी यूनिक चीज़ें अभी इनिशियली स्टार्ट की गई है, ये कुछ न्यू इनिशिएटिव्स हैं। उसके बाद ये भी एक काफ़ी यूनिक है, देखिए ये ट्रैक्टर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही वीआर रखे हुए हैं यहाँ पे, अगर आप इनको लगा के सुनेंगे तो यहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है।
तो प्लीज टेक अ सीट ऑन द ट्रैक्टर एंड वियर द वीआर हैंडसेट टू एक्सपीरियंस द वर्चुअल व्यू ऑफ राम धन सिंह सीड फार्म। यानी कि एक पूरा सीड फार्म का यहाँ से आपको आइडिया लगता है। इसके ऊपर आपको बैठना है, ट्रैक्टर की सीट के ऊपर आप बैठ सकते हैं। यहाँ से अगर मैं चलूँ तो देख सकते हैं ट्रैक्टर की सीट पर। तो ये वीआर आपने लगाना है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप तक भी थोड़ा सा यहाँ पर बता पाए। तो इस प्रकार से भाई मैं ट्रैक्टर पे बैठ गया हूँ एंड वीआर भी मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो अब भी पता नहीं आपको रिटर्न, तो यहाँ पे शायद फार्मिंग के बारे में काफ़ी अच्छे से बता रखा हुआ। अभी मैं एक बार इसको हटा के थोड़ा सा, अभी तो हो नहीं पाएगा शायद पॉसिबल। तो चलिए भाई इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं व्यू आ रहा है आपका। चलिए तो ये ट्रैक्टर का व्यू मैं आपको दिखा रहा था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको वीआर से ये तो चलो आप यहीं पे आके आप विजुअलाइज कर पाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ही यहाँ पे आ जाइए भाई, अवार्ड्स बैक्ड बाई HAU। HAU को अभी कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, तो ये पूरा है कि टोटल 65 ICR इंस्टीट्यूशंस है, 63 स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैं, 0.4 ICR डिम्ड यूनिवर्सिटी। तो ये काफ़ी अच्छे से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके साथ साथ भाई ये देखिए काफ़ी यूनिक चीज़ है, हरियाणा की मिट्टी संरचना, सोयल टेक्सचर क्या है हरियाणा का। तो रेतीली मिट्टी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए रेतीली मिट्टी का ऑप्शन है, डोमत रेतीली मिट्टी है ये रेतीली। तो काफ़ी मिट्टी के बारे में यहाँ से काफ़ी जानकारी यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, ठीक है। इसके साथ साथ ही आप देख सकते हैं नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है ये आपका, ठीक है। तो इसमें माइक्रो एरीगेशन, सारी एरीगेशन टेक्निक्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। एग्री बायो वेस्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि LEDs के यूज हेल्प से, और आप साथ के साथ में सुन सकते हैं देखिए। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात लिखी हुई है, आप कई ऐसे गुण देखेंगे जो आपको और आपके माता पिता के बीच समान है, इसलिए क्योंकि जब आप पैदा होते हैं तो आपने माता पिता से जीन विरासत में मिले हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के बारे में यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही होंगी। तो देखिए स्टूडेंट, काफ़ी अपने आप में ही काफ़ी ज़बरदस्त म्यूज़ियम है एंड काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है इसके साथ साथ में हमें यहाँ से। उसके बाद देखिए भाई, एग्रीकल्चर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में यहाँ पे बताया गया है ना। तो इसका बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखें, यहाँ से इसको पढ़ें, काफ़ी चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी। ड्रिप एरीगेशन सिस्टम आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसको कैसे कंडक्ट किया जाता है, और जो भी बच्चे एग्रीकल्चर पढ़ते हैं उनको आइडिया होगा। स्प्रिंकलर एरीगेशन है, हर खेत को पानी, इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन दी गई है यहाँ पे। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं मैज सेक्शन, हर एक मतलब फसल के बारे में भी यहाँ पे डिटेल में जानकारी है। तो इनको आप ज़रूर पढ़ें, ये आपके लिए एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। राइस रिसर्च स्टेशन जो कि कोल के अंदर है, कैथल के अंदर, उसके बारे में भी है और आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे, इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको ज़रूर पढ़ें। साथ में देखिए ये वैरायटीज़ यहाँ पे जो है, वैरायटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये राइस की कुछ वैरायटीज़ हैं, ये आपका मेज की कुछ वैरायटीज़ दिखाई दे रही होंगी। ऐसे ही शुगर केन के बारे में भी आप यहाँ से देखिए, शुगर केन के बारे में भी काफ़ी इंफॉर्मेशनल चीज़ें हैं, शुगर केन की वैरायटीज़ भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ऑयल कॉटन सेक्शन हो गया, ऑयल सीड सेक्शन, पल्सिस सेक्शन, तो सब कुछ यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करके दिया हुआ है। सारी वैरायटीज़ बताई गई हैं, यही वैरायटीज़ हैं जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप वीट एंड बारले सेक्शन को भी देख सकते हैं, बाजरा सेक्शन भी है यहाँ पे, इनके भी वैरायटीज़, इनके जो डिजीज़ हैं, सब कुछ यहाँ पे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी गई है। एंड जैसे कि मैं दिखा रहा था यहाँ पे, ये जो है हर जगह आपका स्क्रीन्स दिए गए हैं, इसको देख के आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सी वैरायटी के लिए कौन सी क्या चीज़ें हैं। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक पोटेंशियल क्रॉप्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से रही होंगी आपका। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे भी एक काफ़ी अच्छा यूनिक कंसेप्ट चल रहा है, तो इनको भी देख सकते हैं, जैसे एंटी डायबिटिक कौन कौन सी हैं, देखो ये बस बहुत बढ़िया। हॉर्टिकल्चर के बारे में भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, आप हिसार सुरखा जो कि अमरूद की वैरायटी है उसको देख सकते हैं यहाँ पे, एंड और इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं।
इंसेक्ट्स के बारे में भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। इंसेक्ट्स के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी के अंडर ये आता है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे आपको इंसेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे। तो उसके बाद देखिए भाई, आपका ये भी एक काफ़ी मतलब डिपार्टमेंट है अपने आप में ही, तो स्टडी ऑफ नेमटोड्स करके ये कुछ है आपका, प्लांट पैथोजेंस करके भी ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी के द्वारा ये लगाया गया है, प्राकृतिक शत्रु कौन से हैं एंड हानिकारक कीड़े कौन से हैं, तो इनको आप ध्यान से देख भी सकते हैं। साथ के साथ में देखिए ये आपका, ये भी आपका एक जो है जैसे लिखा हुआ, अमरूद की जड़ का गांठ रोग, खीरे की जड़ का गेहूँ का मलेरिया रोग, तो यहाँ पर दिखाया गया है, कपास की जड़ का गलन रोग, मूंग का, इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं भाई इसको। उसके बाद वीड साइंस जो आप पढ़ते हैं, वीड कंट्रोल, तो यहाँ पे उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, काफ़ी यूनिक इन्फॉर्मेशन है अपने आप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल साइंस, ठीक है, लैंडमार्क वेराइटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट, हिसार ओनियन 04 एंड यहाँ पे हिसार टिंडा देख सकते हैं आप, हिसार गार्लिक देख सकते हैं, तो ये वराइटीज़ HAU के अंदर ही डेवलप की गई है। सभी वराइटीज़ के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ऑलरेडी स्क्रीन एंड हेडफोन के थ्रू आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो कम से कम आप टाइम लगाइए और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी यहाँ देख नहीं सकते उनके लिए वर्चुअली हमने ये चीज़ सोचा कि क्यों ना बच्चों को समझाया जाए, तो ये देख सकते हैं आप अपना पास्ट क्या है, मॉडर्न एज देख सकते हैं एंड ये टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ प्रकार का ये भी दिखाया गया है, ठीक है। तो ये क्या है भाई आपका, HAU आंवला छेदक मशीन, हस्तचालित है, आंवला को मुरब्बा वगैरह बनाने के लिए शायद इसका यूज़ किया जाता होगा। दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इसके बारे में भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और एक ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही है आपका, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ भी आपको ना पढ़ाई के अलावा भी यहाँ पे अपना हरियाणा का कल्चर बहुत अच्छे से दिखेगा, अभी मैं उसकी तरफ भी लेके जाऊँगा आपको, क्लाइमेट स्मार्ट एंड एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर, यहाँ पे है ना मौसम, ई मौसम HAU आपने ज़रूर ऐप डाउनलोड की होगी अगर आप खेती से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो क्लाइमेट स्मार्ट ये भी आप देख सकते हैं भाई यहाँ से, क्लाइमेट स्मार्ट प्रिसीजन एग्रीकल्चर ये सारी चीज़ें। तो भाई ये भी कुछ प्रोडक्ट हैं HAU के द्वारा प्रोडक्ट बनाए गए हैं, तो यहाँ से आप इनकी भी जानकारी देख सकते हैं, स्टार्टअप्स जो स्टार्ट हुए हैं यहाँ से। और ये देखिए एक काफ़ी यूनिक जो है अपने आप में प्रोजेक्ट, एग्री इनक्यूबेशन सेंटर ये लॉन्च किया गया है भाई, बिजनेस यहाँ से जो भी मतलब देखिए, फोकस एरिया फॉर स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स एंड इनोवेटर्स, तो भाई जो भी एग्रीकल्चर की फील्ड में बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली ये बनाया गया है। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ से किसी तरीके से जुड़ना चाहते हैं। तो अब देखिए भाई कुछ कल्चरल चीज़ें यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, बहुत सारी यहाँ पे कल्चरल चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी, तो अभी आगे देखेंगे इसके अंदर ही बहुत सारी आपको। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में भी जानकारी है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है ये, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री वन ऑफ माय फेवरेट, ठीक है ना, तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में भी यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है, यहाँ से आप MSc कर सकते हैं केमिस्ट्री से, PhD कर सकते हैं। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री के तीन पार्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, उसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स है। अगर आप साइंस स्ट्रीमिंग से MSc करना चाहते हैं तो इनके MSc या PhD प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एंड प्लांट फिजियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है ना, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आप सभी के लिए एक क्वेश्चन क्विज भी चलते हैं यहाँ पे लाइव, जैसे आप देख सकते हैं कि नीमचक किस काम में आता है ना, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लगा हुआ, इसका आंसर आपको करना होगा। तो नीमचक किस काम में आता है, मुझे तो पर्टिकुलर इसका पता नहीं है, तो मैं एक बार कुछ भी लगा देता हूँ, मान लो देखो ये गलत हो गया आपका, तो कुएं के निर्माण के काम में आता है नीमचक। तो ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे से, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पिल्लाण या पिल्लाणी में क्या अंतर होता है ना, उसके बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं देखिए, तो करंट ये एक क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, लिटरेसी रेट क्या है हरियाणा का, तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, जैसे देखिए ये क्वेश्चन सही।
ठीक है ना, तो डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन आप यहाँ से देख पा रहे हैं, फार्मर एडवाइजरी सर्विसेज भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए भाई, इसके अलावा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइना नेहवाल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चरल, तो यहाँ पे काफ़ी यूनिक्स चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। अब भाई देखिए, अब कल्चरल हरियाणा का कल्चरल चीज़ें आप देख सकते हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं भाई, इसे हम समलाती कढ़ाया बोलते हैं। आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, इसके बारे में भी यहाँ पे दे रखा है कि यह बहुत ही बड़े आकार का कढ़ा है जिसका प्रयोग सामूहिक भोज के लिए चावल खिचड़ी, आजकल तो हालांकि सामूहिक कुछ रह ही नहीं गया गाँव में भी अगर आप देखोगे तो। उसके अलावा देखिए, ये अपने गांव का कल्चर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये इस सामूहिक कढ़ाई के बारे में बताया गया है। पहले भाई आप सभी ने आपके दादा से सुना होगा या दादी से सुना होगा कि ब्रांत आती थी तो दो तीन दिन तो आराम से रुकती थी वहीं पे, ठीक है, तो उस टाइम पे इन सभी का यूज़ किया जाता था। तो ये जो अपनी कल्चरल है, अपना हरियाणा का कल्चर है, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन दिया गया है। अब ये देखिए, अगर आप इस घर को देख पा रहे होंगे तो ये बिल्कुल अपना ट्रेडिशनल गांव में जो घर होता है ना, अपने जो पुराने घर होते थे उस टाइप का दिखाई दे रहा है। तो इस दरवाजे से अंदर एंट्री करते हैं, यहाँ पे काफ़ी मतलब कल्चरल चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी। सबसे पहले देख लीजिए भाई अपनी देसी खाट, है ना, और मैं भी अब कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा हरियाणवी में ही आपको चीज़ें बताऊँ। तो भाई अपनी खाट देख सकते हो, ये मुड्डे देख सकते हो भाई, और ये अपना ओका है ना, आजकल युवा इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दूर ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई ये अपनी खाट है भाई, तो ये बिल्कुल देसी तरीके से यहाँ पे आप चीज़ें देख पा रहे हैं, ठीक है। ये चाक होता है भाई, तो चाक के बारे में भी बताया गया है कि चाक को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ये सृष्टि के रचने, तो ये पढ़ लीजिएगा भाई आप फ्री टाइम पर आराम से, ठीक है। उसके बाद एंट्री यहाँ से अंदर ले लेते हैं, तो ये देखिए थोड़ा सा इसका ये भी दूध यहाँ से लगातार फ्लो कर रहा है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो उस सेक्शन में आएंगे, लेकिन यहाँ से पहले हम कवर कर लेते हैं धीरे धीरे सारी चीज़ें। तो ये भाई, ये बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, गांव के बच्चे तो इनको अच्छे से जानते होंगे, हो सकता है कि शहर वाले थोड़ा सा कम जानते हो। तो ये देख सकते हैं आप डालडी कुंडा, है ना, ये अपने गाँव में भाई जो होते थे, और साथ के साथ में इन्फॉर्मेशन भी है, पढ़ते रहिएगा जिस भी बच्चे को आइडिया नहीं है। तो ये बिल्कुल पुरानी पुरानी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी संयोज के रख रखी हैं, आप देख सकते हैं, प्रांत थाली बोया कुंडी सोटा, है ना। तो ये देख लो भैया, प्रांत है ये अपनी, ये थाली है ना, ये पुरानी थाली देख रही, कुंडी सोटा हो गया भाई, है ना, ये अपने बोये हो गए गाँव में रखते थे जैसे जिस प्रकार से। उसके बाद ये देखिए, ये काफ़ी है, इनमें से काफ़ी तो मैंने नहीं देखे हुए भाई, लेकिन कुछ ज़रूर देखे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो काफ़ी यूनिक है। यहाँ पे डोई क्या होती है इसके बारे में बताया गया है, दांत द्रांत क्या होता है, स्रोता क्या होता है, सब कुछ इसमें यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद कडावणी भाई, रई जेरणी, इसको कई जगह अलग अलग नाम बोलते हैं, तो सारे हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम भी सारे यूज़ किए गए हैं, तो ये भी काफ़ी पुराना टाइम से ही है। अच्छा भाई, ये तो अभी भी रिसेंटली अभी भी यूज होते हैं भाई, ये चीज़ें तो अभी भी यूज हो रही है, ठीक है ना। तो ये चूल्हा हो गया भाई अपना, है ना, और ये देख सकते हैं आप चाकी झरना हो गया, ये पुरानी चाकी हाथ वाली चाकी, पहले क्या होता था ये चाकियाँ तो होती नहीं थी, तो इस हाथ से ही पीसते थे, अपनी दादियों ने भी बहुत पीसे होंगे आराम से आपके, या तो कुछ तो अभी भी यूज करते होंगे इसको। आरा भाई, आरा का तो बड़ा ज़बरदस्त यूज होता है गांव में पशुओं के लिए, जो भी अपने बनाते हैं खल बिनोड़े हो गए तो उसमें आरा के अंदर रख देते हैं। माट हो गया भाई, माट आज के टाइम तो देखने को मिलते ही नहीं है, पहले भाई पानी इतना, आज भी पानी तो इतना ठंडा रहता है, मटके का पानी तो भाई पता ही है, फ्रीज के कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए भाई, ये काफ़ी एक यूनिक चीज़ है, मुझे मतलब यहाँ पे देखने को ही मिली है। तो ये है आपका रथ है भाई, पुराने टाइम का, ठीक है, तो इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से मैं आपको इजीली दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ही पुराना यह आप रथ टाइप से एक जो है देख सकते हैं, और ये दान किया हुआ भाई यहाँ पे किसी ने, खरड़ के व्यक्ति ने, उनका भी ज़रूर नाम हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको पता रहे। तो दान करता है चौधरी भरत सिंह सपुत्र श्री नथुराम सहरावत, गांव खरड़पुर अलीपुर हिसार के द्वारा ये किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, बहुत ही पुराने बर्तन रखे हुए हैं, ठीक है, तो पुराने पुराने बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं, मिट्टी के बर्तन, इनके नाम भी हैं भाई सभी के, अगर आप इनके नाम भी जानना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम भी रखे हुए हैं इनके, ठीक है। और ये देखिए भाई, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं आपके लिए भाई, ताकि आपको पता, चिलम देखिए भाई, गांव में जो चिलम होती हैं, हुक्के में जो रखी जाती हैं,
ठीक है। तो ये इस प्रकार से बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे भाई चरखा देख सकते हैं, बहुत सारे चरखे रखे हुए हैं। ये अपना देसी चरखा है भाई, है ना, ये अपना देसी चरखा है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये कलात्मक चरखा हो गया भाई, कलात्मक चरखा बोलेंगे इसको, लोहे की ये हो गया भाई, घुंघरी युक्त चरखा हो गया, पुराना चरखा हो गया। तो ये अलग अलग चरखे यहाँ पे आप देख सकते हैं, और चरखे का यूज़ आप सभी को पता होना चाहिए। लो भाई, तो ये है शाही पिड्डा, है ना, शाही पिड्डा यहाँ पे तो लगभग 1.5 फुट लंबाई होती थी। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से भाई ये देखिए बैठी नववधू है ना, नई नई शादी हुई इनकी, इनको भी यहाँ पे बिठाया गया है। और ये पीठदार पिड्डे भी हैं भाई, है ना, आपने तो नॉर्मल ऐसे पिड्डे देखे होंगे, लेकिन पीठदार पिड्डे भी होते थे, है ना, जिसके ऊपर पीठ लगा के आप आराम से बैठ सकते थे। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं भाई यहाँ पे, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये देखना, और आपको भी काफ़ी आप इन्जॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को देखते हुए, ठीक है। इसके साथ साथ आप देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे ये सारी डिटेल्स भी दी गई हैं, ठीक है। तो लोहे के मटके हैं यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से ये रखे जाते थे। तो ये देखिए, उसके देखो नीमचक जो क्वेश्चन आया हुआ था, नीमचक का क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछ रहा था, वहाँ पे क्विज में दिखाई दे रहा था, मुझे भी नहीं पता था। तो ये देखिए, ये है आपका नीमचक, कुएं की खुदाई करने के लिए उसके नीचे से पक्की चिनाई करने हेतु दरातल। तो ये देखो, ये है नीमचक आपका, ये रखा हुआ, तो ये आपका नीमचक है भाई। तो देखो एक नए क्वेश्चन का पता लगा, और देखने को भी मिली ये चीज़, तो ये यहाँ एचयू में ही देखने को मिल सकती है। उसके अलावा भी यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, हर एक को ऊपर हाईलाइट करेंगे तो काफ़ी बढ़िया है। चरस क्या है ये देखिए, चरस, चरस भी बोल देते थे इसको। तो ये कुएं से रिलेटेड चीज़ें हैं थोड़ी सी, ठीक है। कुआ क्या होता है वो तो अभी को पता ही है, लेकिन आज के टाइम तो रहे नहीं है। उसके बाद कुंड देख सकते हैं भाई, ये आपका पशुओं को पानी पिलाने के लिए इसका यूज किया जाता था, कुंड देख सकते हैं पुराना। संदूक, पिटार इसको बोल रहे हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एक ढोलक सा भी रखा हुआ, पुराना टाइप से ढोलक है या पता नहीं क्या है भाई इसका, ठीक है। कुप्पी, कुप्पा राजस्थान के लगते भाग से ऊँट के चमड़े से बनाई जाती थी, इससे किसी भी प्रकार की सिलाई नहीं की जाती थी, इसमें तेल भर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊँट पर रखकर ले जाया जाता था। तो भाई ये ढोलक नहीं है जो देख रहे हैं, ये है आपका कुप्पी या कुप्पा बोलते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चौपड़ एंड चौकी भी आप देख सकते हैं भाई, इस प्रकार से ये पहले गेम खेलते थे, इस प्रकार से मेरे हिसाब से महाभारत काल से पुरुषों द्वारा खेले जाने वाला चौसर का खेल खेलने के लिए कपड़े के 3-4 स्तर की सिलाई करके 4 भुजाएं बनाई जाती थी। चौकपड़ ये वाला है भाई मेरे हिसाब से, और ये चौकी है शायद, ठीक है। उसके बाद आ जाओ भाई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो वो भी दिखा देते हैं। रंग बिरंगी विभिन्न प्रकार की यहाँ पे दिखाई गई हैं भाई इनको, ये क्या होते हैं। हरियाणा के ग्रामीण जीवन में स्त्रियों द्वारा सिर पर पानी से भरा मटका, हाँ ये वो है भाई, इंडी बोल देते हैं ना, इंडी बोल देते थे। तो उस प्रकार से रंग बिरंगे बिजड़े, आज के टाइम तो भाई इलेक्ट्रिसिटी का इतना इश्यू नहीं होता, नहीं पहले तो इनका बहुत ज़बरदस्त यूज़ होता था, हालांकि आज भी इनका यूज़ कहीं ना कहीं तो होता ही है, ठीक है। उसके बाद है भाई साटन के सच्चे गोटे वाला दामन, तो ये दामन देख लो भाई आप, है ना। उसके बाद है बोरले चूड़िया, आंगी जमकर। उसके बाद यह लोहे के डब्बे से संदूक, बैंत से निर्मित, ये भी काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे जो है महिलाओं के आभूषण है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद है खारी छाछ है भाई, ये छाछ अपने देसी, ठीक है। उसके बाद है ताले, घंटियाँ हैं ये, दांती हैं, तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से रखी हुई हैं सारी चीज़ें। उसके बाद है उखड़ हो गया भाई, ये अलग अलग टाइप के उखड़ हो गए, दीवड़ा कपड़े के ये भी आभूषण है, एंड ये रहा इस प्रकार से आप देख सकते हैं। साथ के साथ में आप यहाँ से देख सकते हैं भाई, नगाड़ा है ये, है ना, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये देख लो भाई, वो रथ दोबारा से है, अब यहाँ पे साथ के साथ में बैल भी दिखाई दे रहे होंगे आपको, और भी कुछ यहाँ पे जो है ये तांगड़ी भाई जेड़ी बोल देते हैं, पुराने टाइम के भी रखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। जुआ भाई, आपने अभी भी इसका ज़बरदस्त यूज हो रहा है जुए का, तो गांव में बड़द जूते हैं आप सभी को पता हुआ, ऊँट की कुची है ये आपका, ऊँट वाले जो इलाके हैं अपने राजस्थान के लगते हैं वहाँ पे इसका यूज़ होता हुआ। तो ये वही हड़ देख सकते, वो जो है जो रथ में दिखा रहा था वही है भाई, ये पुराने टाइम का, जैसे खाट को मतलब वो भरते हैं उस टाइप से ही भरा जाता था ये भी।
और ये भाई अपने सारे गांव का कल्चर यहाँ पे अच्छे से दिखा रखा है, सारे गांव का कल्चर आप देख सकते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको दिखाई दी है भाई चीज़ें, ठीक है, घोड़े की काठी हो गया, गुड़ोची हो गया, है ना, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें जो अभी हमने मतलब आपने देखी भी होंगी और नहीं भी, ये आप देख सकते हैं जो मैंने दिखाया था। अब वापस देखिए भाई, अपना जो कल्चर था उसको अपने अच्छे से देख लिया है, और अगर आप अब ये सब देख आएंगे तो फिर अब मैं वापस वहीं पे आ गया हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे वही क्विज है दोबारा से। इसके अलावा भी और बहुत सारा है, बहुत बड़ा ये बनाया गया इन्फॉर्मेशन। अब देखो, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन इन हरियाणा, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भाई, तो भाई स्टूडेंट कैसा लगा आपको ये म्यूज़ियम? मेरे हिसाब से तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होना चाहिए एंड काफ़ी कुछ सीखने को आपको यहाँ से मिला होगा। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ये तो ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट ही देखे, कोई भी नॉर्मल किसान देख सकता है, आपके पेरेंट्स देख सकते हैं, आपके दादा दादी देख सकते हैं, और उनसे पूछो आप, इस वीडियोज में जो दिखाया गई है पुरानी चीज़ें उनसे आप पूछो कि क्या आप इनके बारे में जानते हैं या नहीं जानते, तो भाई काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो को अच्छे से देखें और लाइक शेयर सभी को मैं करूंगा, अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाना है इसको, और जो भी हिसार के आसपास से हैं वो ज़रूर आएँ, विजिट करें इसको। ये अभी एचयू में 7 से 2 का टाइम इसका रहता है, तो सुबह 7 बजे से लेके। स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको म्यूज़ियम? और काफ़ी कुछ जानने को आपको मिला होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेशनल है यहाँ पर सारी चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और सभी तक इसको पहुँचाइए। थैंक यू।